सिलेंडर ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, 7 हुए घायल। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा से है। आपको बताते चलें कि खबर गोंडा जिले की है, जहां गोंडा जिले के बजीरगंज के ठटेपुरवा गांव का है मामला, जहां पर सिलेंडर ब्लास्ट में 2 मंजिला मकान जमी दौज हो गया है। हादसे में मरने वालों की संख्या 8 है, जिसमें से 2 युवा, 2 महिला और 4 बच्चे थे। धमाका इतना ज्यादा था कि बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा मलबे में तकदीर हो गया है। मलबे में कुल 15 लोग दब गए थे। 7 लोगों का इलाज गोंडा के जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के मुताबिक मलबे से लोगों को ढूंढने का काम पूरा हो चुका है, यानी अब किसी के दबे होने की कोई आशंका नहीं है। सीएम योगी ने हादसे पर खेद व्यक्त किया और उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। और मिली जानकारी के अनुसार जिस मकान में हुआ धमाका, उसी मकान के मालिक को पहले मिला था पटाखा बनाने का लाइसेंस। इस एंगल से भी पुलिस कर रही है जांच। प्राइम न्यूज 24 के लिए गोंडा जिला से समरजीत प्रजापति की रिपोर्ट। थाना वजीरगंज अंतर्गत ये टिकरी क्षेत्र है, जहाँ पे डायल 112 पे ये सूचना प्राप्त हुई कि एक सिलेंडर ब्लास्ट के बाद एक मकान की छत वो गिर गई है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस फोर्स के साथ मैं स्वयं यहाँ पहुँचा है। आईजी महोदय भी यहाँ पहुँचे एवं तमाम फोर्स को साथ प्रशासन, पुलिस एवं स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ पे राहत बचाव कार्य यहाँ पे शुरू किया गया है। इस राहत बचाव कार्य में अब तक 14 लोगों को निकाल लिया गया है, सभी को अस्पताल भेजा गया है, जिसमें कि 7 लोग सकुशल है, इलाज उनका चल रहा है और बाकी 7 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 2 पुरुष, 2 महिलाएं एवं बाकी बच्चे हैं और अभी भी राहत बचाव कार्य यहाँ मौके पर चल गया है। पूरी टीम हमारी प्रशासन पुलिस की यहाँ पे कैंप किए हुए हैं, अन्य भी टीमों को बुला लिया गया है और बाकी जितना भी राहत कार्य है वो कंटिन्यू यहाँ पे चलेगा। सर, दुर्घटना का कारण क्या है? जो 112 पे हमें सूचना प्राप्त हुई है, सिलेंडर ब्लास्ट के बाद में मकान की छत गिरना बताया गया है। हमने बाकी टीमों, फॉरेंसिक इत्यादि को भी यहाँ पे बुला लिया है, बाकी जांच भी हमारी चलेगी। प्रायोरिटी हमारी राहत बचाव कार्य की है, वो उसमें हम लोग लगे हुए हैं।